अब देखो मैंने जिंदगी में कड़वा सच एक्सेप्ट कर लिया है कि तेजस्वी भाभी है और अब हम कड़वा सच और कड़वा शॉट खेलेंगे। देखो मैं दारू नहीं पीता। ये दारू नहीं है, ये सोया सॉस है, एलोवेरा जेल है, बहुत ही गंदी गंदी चीजें बेसिकली। इतनी बकवास चीजें उठा के लाया ना। ऑल यू हैव टू डू नाउ इज दैट यू हैव टू आंसर अ क्वेश्चन। हां जी हां जी। अगर आपने नहीं दिया तो आपको पीना पड़ेगा। ओके, सो द ओनली वे यू कैन सेव योरसेल्फ इज बाय आंसरिंग दिस क्वेश्चंस। अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन सेइंग दैट योर रिलेशनशिप विद तेजस्वी स्टार्टेड इन द शो एज अ पब्लिसिटी स्टंट, बट नाउ वी हियर दैट यू गाइस आर प्लानिंग टू गेट मैरिड सून। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस पब्लिसिटी स्टंट? Just fucking Google me, man. I don't need publicity stunts. So this was not for publicity. Tumhe genuine gehen pyar ho gaya tha. Haan. And what was that point? She's kind of endearing as a person. She's extremely different. Yeah. You know, I used to keep watching her all day and I'd be like, thodi ajeeb hai ladki. I still remember, I saw an episode where you were talking to someone and you said, ki yaar, ye wali mujhe, I can't figure her out. Yeah, like so I was like, there was something very, something that attracted me towards her. It just started and then I'm like, haan, theek hai yaar, matlab it's probably just attraction. Like, I'm just looking at her because she's different and she's kind of cute and she does these little things and you know, she's kind of genuine. Then Akasa noticed, she's like, you have a crush on her. I said, I don't have a crush on her. She's just, you know, she's like this little puppy who just keeps bouncing from one place to another. It's entertaining to look at her. Well, I think Akasa was not the only one who saw that he had. मुझे नहीं पता था ना अंदर। हमें पता चल रहा है। मेरी स्टाफ को भी मतलब मेरी टीम को भी पता चल गया था apparently। Yeah, everybody knew। बाहर शर्तें लग रही थी कि भाई गया। I've had that conversation। एक गंदे जूस से तो करण बच चुका है, लेकिन देखते दूसरा जूस वो पिएगा कि नहीं। What is the unfiltered truth about your breakups in general? Why have you been quiet about the breakups while they said a lot about you? गंदगी फैलाना बहुत आसान होता है, ठीक है, उसको कहते हैं ना रायता, फैलाना बड़ा आसान होता है, समेटने वाला भी कुछ ही होता है। आई डोंट थिंक कि यू नो इन सारी चीज़ों के जो एलिगेशंस, बकवासबाजी सब आप यू नो जो आप बोलना शुरू कर देते हो, बुरा नहीं लगता? बुरा मुझे घंटा नहीं लगता। ओके, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी पिटीफुल। आई एम नॉट दैट पर्सन। ओके, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता। कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में अच्छी थी, आप उसको अच्छा रखो या नहीं रखो, ये आप क्या हो वो दिखाता है। ठीक है, और अगर मेरे फैंस को लगता है कि मैं क्योंकि किसी के बारे में पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके यू नो ख़राब चीज़ें नहीं बोलता हूँ, किसी यू नो लड़की की डिफेम नहीं करता हूँ, इफ़ दैट्स थिंग दैट आई शुड बी वरीड अबाउट, क्योंकि आई गेट मिसजज्ड, बट इफ़ आई डू सच थिंग्स, वो मेरे को एज अ पर्सनली या मेरी फैमिली को पसंद नहीं। करेक्ट। सो व्हाई? या ये जवाब तेजू को, तेजू भाभी को बहुत पसंद आएगा। The fact is that Teju knows each. Oh, that's nice. But you know. मैं पी लेता हूँ इसे, इतना जवाब प्यारा दे दिया है कि सारी लड़कियाँ मेरे friends को, मेरी family को, जो लोग मेरे close हैं, जो मेरे लिए worry करते हैं, उनको पता है सब। Yeah. Correct. But वो लोग matter करते हैं, क्योंकि वो लोग मुझे judge नहीं करेंगे। Yeah. And वो अगर मुझे करेंगे तो मुझे उससे फर्क पड़ता है। अगर मैंने कुछ गंद पाया होता या फैलाया होता तो मुझे लगता है मेरे घर वाले मुझे डिसोन कर देते, मेरी तीन बहनें। Yeah. मुझे Yeah. मुड़के कभी देखती नहीं। करेक्ट। सो ये फर्क है। We saw you stood up for the right thing in Roadies, but you also faced backlash from the audience. What do you have to say about the fact that as a celebrity, you're always put on the spot for all the things you do, good or bad? Sunni sabki chahiye, karni khud ki chahiye. Theek hai, and I've always done that since the time I've come here. When I want to leave a certain project, and agar mere ko ye lagta hai ki ye sahi hai, to main wo karunga. और बैकलैश से अगर डरना होता तो फिर मैं यू नेवर रियली बॉदर्ड अबाउट इंडस्ट्री, मीडिया या फैंस या नो, ऑफ कोर्स आई एम बॉदर्ड अबाउट देम बिकॉज़ उनसे मेरा घर चलता है, बट आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट बीइंग जज्ड। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत लोगों को जानता हूँ जिनके ओपिनियंस हैं, पर उनकी इतना दम नहीं है कि वो ओपिनियंस अपने दे सके। आप ले तो रहे हो अपने फैंस से और अपनी इंडस्ट्री से, लेकिन आप देना नहीं चाहते हो क्योंकि आपको डर है कि आपकी इमेज खराब हो जाएगी तो आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे। मैं तुम्हें एक्चुअली एक सही बात बता सकता हूँ, मेरा ओपिनियन में दे सकता हूँ कि मैं खुश करण के लिए हूँ कि तेजस्वी उसका चल रहा है। चलेगा आगे, तेजस्वी से आगे करेगा। दिस क्वेश्चन इज फन। नेम टू सेलिब्रिटीज फ्रॉम बिग बॉस हाउस हु यू वुड नेवर वांट टू वर्क विद। एक्चुअली आई वुड से टू सेलिब्रिटीज जिनके साथ तुम कभी काम ही नहीं करना चाहोगे, बिग बॉस छोड़ो। आई वुड लव टू वर्क विद एवरीबॉडी फॉर द राइट अमाउंट। मैंने प्रतीक के साथ अभी शूट किया, मैंने उमर के साथ शूट किया, मैंने निशांत के साथ शूट किया, रूबीना भी थी वहाँ पे, ऑल दो की वो नहीं है। मेरा बहुत सिंपल है शार्दुल, अगर आपने मेरे लिए कुछ किया है तो मैं आपके लिए करूँगा। ठीक है, मैंने दिव्या के साथ काम किया, मैंने अफसाना के साथ काम किया, मैंने अकासा के साथ काम किया। आई बिलीव इन ग्रोइंग एज अ फैमिली। ठीक है,
लेकिन अगर आपने मेरे साथ कुछ सही नहीं किया, खुंदकी बंदा नहीं हूँ, ना ही मैं महान हूँ, बट ठीक है, वो आपकी दुनिया, ये मेरी दुनिया, मैं अपनी दुनिया को आगे लेके जाऊंगा। हाँ, इफ आई डोंट वांट टू वर्क विद अ पर्सन, मेरे को 1 करोड़ रुपए दे नहीं करूंगा।